नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त हाजिर हूं आपके साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और पूर्व सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर बड़ा हमला बोला है। जिले में एक कॉलेज के निजी कार्यक्रम में पत्रकारों से वार्ता करने के दौरान मोहसिन रजा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि समाजवादी पार्टी देश में आस्था का कत्ल करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी की बुनियाद इसी पर रखी गई है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर उनकी हत्या कराई है। अब ये लोग किस मुंह से जनता से बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की स्थापना कार सेवकों के खून की हत्या पर है। उससे पहले उनकी पार्टी नहीं थी, उसके बाद उन्होंने पार्टी गठित की है। जब कार सेवक मार दिए गए और उन्हीं के पिताजी के शासनकाल में उन पर गोलियां चलवा दी गई, अब वो किस मुंह से बात करेंगे जनता से? कौन सा विकास पूछना चाहते हैं? निजी स्वार्थ के चलते उनके घर के 28 लोगों ने जी भर के लाभ उठा लिया, प्रदेश की जनता को लूट के फेंक दिया। अब कौन सा बताना चाहते हैं विकास?